स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर का देहांत तो हो चुका है कल यानी कि 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार किया गया था ऐसे में आपको बता दूं कि हर कोई लॉकडाउन के तहत अपने घर से सोशल मीडिया के जरिए ही ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया उसी में से एक थे हमारे प्रिय सलमान खान जी सलमान खान ने अपने ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी थी ऋषि कपूर को और ट्विटर के ये लिखा था कहा सुना माफ करना जी हाँ ऋषि कपूर से उन्होंने माफी मांगी थी अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर सलमान खान ने ऋषि कपूर जी से किस बात के लिए माफी मांगी थी वो दिन तो आपको याद ही होगा जिस दिन सलमान खान ने रणवीर कपूर को थप्पड़ मारा था जी हाँ एक पार्टी के दौरान संजय दत्त और सलमान खान एक साथ पार्टी में पहुँचे थे बात करे अगर ऋषि कपूर के बेटे यानी की रणवीर कपूर की तो रणवीर कपूर और ऋषि कपूर एक साथ पहुंचे थे उस पार्टी में उसी दौरान कुछ कहा सुनी होने के बाद सलमान खान अपना आपा खोते हुए नजर आए और उन्होंने जड़ दिया रणवीर कपूर को थप्पड़ जिसके बाद लगातार कई दिनों तक या फिर हम यूँ कहें कि कई सालों तक रणवीर सिंह विथ फैमिली यानी कि ऋषि कपूर और सलमान खान के बीच अनबन का माहौल था कहा ये भी जाता है कि आज तक उसी बात की की वजह से कपूर और सलमान खान की फैमिली एक दूसरे के साथ पार्टीज में नजर नहीं आती है दोस्तों तो यही वजह है कि सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ऋषि कपूर से कहा सुना माफ करना यानी कि माफी मांगी दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है क्या सलमान खान को रणबीर कपूर पर हाथ उठाना चाहिए क्या सलमान खान ने माफ़ी मांग के सही किया आप अपना राय हमें कमेंट में आके जरूर दें और साथ ही आपको बता दूं आप हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर लगातार बॉलीवुड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट लेते रहेंगे उसके लिए आपको हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब करना होगा थैंक यू